नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी। दोस्तों, सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आप सुनते हैं हर दिन नई नई प्रेरक कहानियाँ। तो आइए दोस्तों, कहानियों की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है डॉक्टर प्रीतम सिंह गुर्जर के बारे में। आपको बता दें, ये पेशे से एक शिक्षक हैं और उदयपुर स्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट नेशनल करियर एकेडमी के ओनर हैं, जो अपने जुनून के साथ आगे बढ़ रहे हैं और छात्रों के भविष्य को संवारने का बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये मूल रूप से करौली जिले के रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपना बचपन यहीं बिताया, यहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने जुनून को अपना पेशा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर मुमकिन प्रयास किया। यहाँ तक कि इन्होंने MBBS करने के बावजूद भी अपने मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग फील्ड में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि इन्हें हमेशा से ही बच्चों से एक विशेष लगाव था और इनके मन में बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने की चाह थी। दोस्तों, आपको बता दें, ये एक किसान के बेटे हैं और इस नाते इन्हें पढ़ाई की अहमियत बहुत अच्छे से पता थी। इन्होंने कभी पढ़ाई से जी नहीं चुराया, हमेशा मन लगाकर पढ़ाई की। उदयपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और फिर टीचिंग प्रोफेशन में एंटर किया। 2007 में दोस्तों, इन्होंने केवल 4 बच्चों के साथ नेशनल करियर अकेडमी की स्थापना की थी और आज यहाँ लगभग 400 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आपको बता दें, अच्छे परीक्षा परिणामों के साथ इस एकेडमी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स संस्थान का नाम रोशन करते गए और ये सिलसिला आज भी जारी है। दोस्तों, सच कहें तो इन्होंने अपने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ये सफलता के इस मुकाम पर कभी पहुंच पाएंगे, लेकिन आज ये सब मुमकिन हो पाया इनके अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के संयुक्त प्रयासों की वजह से। तो दोस्तों, ये थी इनके इस सफर से जुड़ी कुछ खास बातें जो हमने आपके साथ साझा की। अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और इनकी इस कहानी से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनते हैं इनकी अपनी जुबानी। हेलो, मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह गुर्जर, बेसिकली मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरी प्राथमिक एजुकेशन जो छोटा सा गांव है करौली डिस्ट्रिक्ट में, तुलसीपुरा ग्राम पंचायत, तो वहाँ से भी 8वीं तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद 10th मैंने सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट में था उस टाइम पे, मजीरपुर करके है गांव, वहाँ से किया। 12th मैंने करौली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से किया और उसके बाद मैंने PMT की तैयारी के लिए कोटा गया। 2 साल मैंने PMT के लिए तैयारी किया। 2004 में मैं PMT सेलेक्ट हुआ और उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS की डिग्री प्राप्त की। 2009 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ और मैं जब पढ़ रहा था तब से पढ़ते पढ़ते मेरे को इंटरेस्ट थोड़ा टीचिंग में था, मैं टीचिंग में आ गया। MBBS करने के बाद भी मैं एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स के साथ एक अलग ही लगाव रहता है और उस लगाव की वजह से आज मैं मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के और टीचिंग में हूँ। मैंने 2007 में नेशनल करियर अकेडमी को मात्र 4 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था। 4 बच्चों में से 3 बच्चे सेलेक्ट होके आगे गए। उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई और वो 4 बच्चों की जर्नी आज लगभग 400 बच्चों पर पहुंच गई है जो प्रेजेंट में हमारे पास पढ़ रहे हैं। मेनली हमारा फोकस साइंस पर रहता है। साइंस में भी एग्रीकल्चर का जो है कंप्लीट हम करवाते हैं, जिसमें जेट है, ICAR है, BHU है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इन सब की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके साथ 11th 12th फाउंडेशन साइंस में मैथ्स बायो एग्रीकल्चर ये सभी हम तैयारियाँ करवाते हैं। बहुत कुछ हम जो कुछ बच्चे होते हैं पुअर वहाँ से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी मैं काफ़ी कुछ करता हूँ इस तरीके का, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और जब एजुकेशन के टाइम पे मैंने भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस किया था, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई बच्चा जिसमें टैलेंट है और वो आगे बढ़ना चाहे और किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से यदि वो नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी मैं हर बार कोई 10-20 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको
रहना खाना सब कुछ मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से निःशुल्क उन बच्चों को प्रोवाइड करवाता हूँ। या कोई बच्चा ऐसा भी है कि जो कोचिंग फी पे नहीं करता, अकोमोडेशन वो अडॉप्ट कर लेता है, तो हम उससे कोचिंग फी नहीं लेते। मतलब जितना हमसे किसी गरीब बच्चे के लिए या कोई भी हेल्प जो नीडफुल बच्चा है उसके लिए जितना बन पाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से वो हम करते हैं। बेस्ट फैकल्टी पार्ट हमारे पास है, सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, कुछ PhD हैं मोस्टली, कुछ गवर्नमेंट हैं जॉब में भी हैं जो अपनी तरफ से इस इंस्टीट्यूट को आके निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं, तो हम उन फैकल्टीज का भी बड़ा आभारी रहते हैं। और एक कमरे के हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, आज हमारे पास 4-5 बिल्डिंग हैं। हॉस्टल्स हमारे पास सेपरेट रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल अलग रहता है, बॉयज हॉस्टल अलग रहता है। बच्चों की मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस रहती हैं, डाउट क्लासेस हम बच्चों को करवाते हैं, वीकली टेस्ट होता है। कोरोना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर भी हमारे पास लगभग 400-300 बच्चे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ बच्चों की पढ़ाई एकदम से डिस्टर्ब हो गई। उस डिस्टरबेंस के कारण बच्चों की एग्जाम आने वाली थी, तो हमने कदम उठाया और हम ऑनलाइन एजुकेशन में लेके आए। डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया बच्चों के लिए, ऑनलाइन हमने बच्चों को कम्प्लीटली निःशुल्क एजुकेशन दिया और उसका हमें परिणाम भी मिला। जो रिजल्ट आया जेट 2019 का, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट के मोहम्मद इमरान करके बच्चा था जिसने पूरे उदयपुर संभाग को टॉप किया, ऑल राजस्थान 6 रैंक लेके आया बच्चा वो, और ऑनलाइन एजुकेशन का बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला। अभी भी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस रन कर रहे हैं और उनके माध्यम से बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं। लगभग 300 बच्चे हैं जो अभी हमारे पास ऑनलाइन में जो एजुकेशन ले रहे हैं, और 300-400 बच्चे हैं जो प्रेजेंट में हमारे पास ऑफलाइन में एजुकेशन ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बच्चों के लिए, ये मैं मेडिकल फील्ड पूरा छोड़ के एजुकेशन में कन्वर्ट हुआ हूँ स्टूडेंट्स की खुशी के लिए, मेरी अपनी खुशी के लिए, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। देखिए संघर्ष हर किसी की लाइफ में होते हैं और उन संघर्षों का सामना मैंने भी किया था। जब मैं 12th क्लास में था, मेरे एग्जाम नज़दीक आने वाले थे, मार्च में एग्जाम होते हैं 12th क्लास के, और उन एग्जाम्स के ड्यूरेशन 22 जनवरी, जो कि एक बड़ी विडंबना है, मेरा जन्म दिवस भी है, डेट ऑफ मेरा बर्थडे भी है, उस दिन अकस्मात मेरे पिताजी शांत हो गए, उनका देहांत हो गया था और मैं एकदम से टूट गया था। क्योंकि जब आपके पीछे पूरा जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट एक बार चला जाए तो वहां से आपको उठना बड़ी भारी बात हो जाती है। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और अपनी 12th की तैयारी में मैं जुट गया, 12th की तैयारी की, मैंने फर्स्ट डिवीजन से 12th पास की। फिर मेरे बड़े भाइयों ने मेरा ऐसा सपोर्ट किया कि मुझे उन्होंने पढ़ने के लिए कोटा भेजा, PMT की तैयारी करवाई। एक साल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों ने मेरे वापस हौसला बढ़ाया कि एक बार फिर से तैयारी कर। उन्होंने ऐसे भाई हर किसी को नहीं मिलते हैं, क्योंकि मेरा साथ दिया ऐसे टाइम पे जब शायद कोई नहीं देता, और उन्होंने वापस मेरे लिए अपने वो खेती के करते हैं और खेती बाड़ी करते हुए उन्होंने मेरे कोटा में सारी सुविधाएं मेरे को उन्होंने उपलब्ध करवाई। और मैं दूसरी साल मैंने वापस तैयारी की, PMT फाइट किया। PMT फाइट करने के बाद वापस उदयपुर में आया, यहाँ पे भी खर्चे होते हैं आप सभी जानते हैं, तो उस टाइम पे भी घर की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि उतना खर्चा वो बियर कर सकें, कैपेबल नहीं थे। तो मैं सेकेंड ईयर में से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। घर पे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, 200 रुपये मंथली में उन बच्चों से लेता था, कोई नहीं दे पाता था तो मैं नहीं भी लेता था। उन बच्चों के ट्यूशन से मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, और 2007 में बच्चों की डिमांड पे ही ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। 2009 में मेरा कंप्लीट हुआ। मेरा ये था कि मैं कहीं किसी हॉस्पिटल में मेरे को जॉब करना है, एज ए डॉक्टर काम करना है, बट बच्चों के साथ जुड़ गए थे तो बच्चों से ये लगाव था कि बच्चों ने भी कहा कि नहीं सर हमें आपसे ही पढ़ना है, नहीं तो हम पढ़ेंगे ही। कुछ बच्चे थे इस तरीके के, मावली के बच्चे थे, कुछ आसपास के बच्चे थे, उन्होंने मेरे को, उन बच्चों ने मेहनत करी, बच्चों से वो बच्चे लेके आए और उनको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। संघर्ष करते करते आज इस मुकाम पे है कि जो बच्चे मेरी स्टेज में हैं कि जिनको इस तरीके की कोई परेशानी है कि वो फाइनेंशियली इतना सपोर्टेड नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन कैरी कर सके, और उनके लिए आज मैं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बच्चे की मेहनत के पीछे कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं, और ऐसे कई बच्चे हैं जो आज गवर्नमेंट जॉब में भी पहुँचे हैं और अभी भी वो किसी ना किसी कॉलेज में अध्ययनरत हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को अपने संघर्ष के पीछे दूसरे बच्चों का भी संघर्ष दिखता है, और इसलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, हमेशा खड़ा रहता हूँ। देखिए मेरी लाइफ में मैं अपने पिताजी को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ, और एक्चुअली हमारे
जो क्षेत्र है करौली उसको डांग क्षेत्र बोलते हैं, एजुकेशन का इतना लेवल नहीं है। दूसरी बात, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ गुर्जर कम्युनिटी, अभी फिर भी वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया है, पहले के टाइम पे ना के बराबर एजुकेशन हुआ करती थी। मैं पहला स्टूडेंट था मेरे गांव से जो फर्स्ट डिवीजन 10th पास किया था और फर्स्ट डिवीजन का मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। तो वहां से हमें यही नहीं पता तो होता था कि पीएमटी क्या होती है या आगे क्या करना होता है, बस हमें ये था कि भाई 10th पढ़ने के बाद जैसे तैसे आर्मी की जॉब के लिए अप्लाई करना होता था और वो ज्यादातर हमारे कंटिन्यूमेंट मोस्टली आर्मी में ही है। लेकिन मेरे फादर ने मेरे को उस टाइम पे जब 12th में, तो 10th से उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि बस तुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन जब मेरा डॉक्टर बनने का टाइम आया वो साथ नहीं थे, फिर मेरे भाइयों ने वो साथ दिया। तो फादर ने मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पायर किया था, उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ और उनकी वजह से और मेरे भाइयों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उसके अलावा कुछ मेरे गुरुजन हैं, टीचर्स रहे हैं 8th तक 10th तक, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में सफलता में उनका एक श्रेय है, कॉलेज के टीचर्स का श्रेय है, सभी का मेरे इसमें सफलता में योगदान है। तो मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड अपने भाइयों से और अपने फादर से हूँ और हमेशा उनकी मैं इज्जत करता हूँ और करता रहा। देखिए, एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें कुछ ना कुछ और जो साइंस है, नए नए इनोवेशंस होते हैं, उन इनोवेशंस को, उन टेक्निक्स को आपको अपडेट होना जरूरी है ताकि आप बच्चों को वो चीज़ें बता सकें। मैं भी उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, अपडेट रहता हूँ, क्लास में जाने से पहले खुद अपने आप को तैयार करता हूँ, कुछ नई चीज़ें सीख के जाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। सोशल मीडिया से देखना होता है, सोशल मीडिया से मेरे को अपडेशन देता हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह पे काफ़ी सारी डिस्कवरीज होती हैं, किसी नए साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी किया उसके बारे में मैं अपडेट रहता हूँ, अपडेट मैं स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करता हूँ, स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं। तो साइंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक मैं क्लासेस में रहता हूँ, उसके बाद भी मैं टाइम निकाल के नए जो भी अपडेट्स आते हैं सेक्टर में उनके बारे में मैं बच्चों को भी बताता हूँ और खुद को भी अपडेट रखता हूँ। टीचिंग के साथ साथ अब एज ए टीचर हूँ तो डेफिनेटली बुक रीडिंग तो मोस्टली और प्रिफरली हॉबी होगी होगी। उसके साथ साथ मुझे मूवीज देखने का काफ़ी अच्छा शौक है और ये कॉलेज में आने के बाद ही था, उससे पहले कभी मूवीज में सिनेमा हॉल तक गया नहीं और एक्चुअली डर भी लगता था पेरेंट्स को, तो मैं कॉलेज पास आउट होने के बाद भी नहीं पता था कि मैं कहीं मूवी देखने जाता हूँ। बट एक इंटरेस्ट आया और फिर ऐसा था कि हर वीक जो भी नई मूवी आती थी तो हम उसको देखते ही देखते थे। तारे जमीन पर मेरी फेवरेट मूवी है जिसमें इस तरीके के बच्चों को भी आगे और पहुंचाया जा सकता है कि जिनको सब लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो डफर है, इसको कुछ नहीं आता है। तो वो एक जो टीचर का रोल वहाँ पे था, उस टीचर ने एक बच्चे को, डल बच्चे को, और वहाँ पहुंचा दिया जो बेस्ट बुक में वो मिला। तो उस वजह से मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है ये मूवी। देखिए, यदि टाइम, हालांकि आप रिमाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि मुझे ऐसा कोई ऑप्शन मिले, मौका मिले कि मैं समय में वापस पीछे जाऊँ, वापस मैं बैकअप करूं टाइम के साथ, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे वो मेरे साथ हों और वो टाइम अभी नहीं, वो बाद में कभी होना चाहिए था, ताकि वो मुझे डॉक्टर बनता हुआ देखें और उनकी आंखों में जो खुशी थी, जो मुझे डॉक्टर बनते हुए देखने के बाद उनको मिलने वाली थी, जो बहुत पहले से उनकी आंखों में थी, जब उन्होंने कहा कि तुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं वो देखना चाहता हूँ, मेरे फादर की आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बना और आज जो चाहते थे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में या कम्युनिटी में 12 गांव है हमारे, कोई डॉक्टर नहीं था मेरे से पहले, तो वो उनकी एक खुशी जो मैं देखना चाहता था, मैं वो देखना चाहता हूँ वापस आ। देखिए, टीचिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है और उसी वजह से मैं भी अपने आप को रेगुलरली रोज अपडेट रखता हूँ। 1/2 घंटा 1 घंटा में न्यूज़पेपर और इंटरनेट को देता हूँ ताकि मैं नई चीज़ें जो अपडेशन में आ रही है उनको देख सकूँ, बच्चों को बता सकूँ। तो आप भी अपने आप को अपडेट रखें हमेशा और नई चीज़ें करते रहें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके के और इंस्पायर्ड वीडियो देखने के लिए आप वर्कमॉप ऐप पर देखते रहें, डाउनलोड करें, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रीतम सिंह गुर्जर की सफलता की कहानी इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़
और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।